अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको LDC और UDC पोस्ट के लिए पेपर सिलेबस बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस का पता चल जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उन्ही चीजों को तैयार करके आप अपना पेपर जो है वो पास कर सकेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मजीद वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों LDC और UDC पोस्ट के लिए 100 नंबर के MCQs होते हैं जिनमें 20% इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें प्रेपोजिशन होगी, आर्टिकल हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव एंड पैसिव वाइज हो गए। और इसके बाद 20% इस्लामिक पोर्शन होता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ज़कात कब फर्ज हुई, पहली अजान कब दी गई, रोजा कब फर्ज हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पहले खलीफा का नाम बताएं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद 20% जो है वो जनरल नॉलेज हो गया जिसमें आपसे पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के जो आइन थे उनके बारे में पूछ सकते हैं, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, वजीर आजम कौन था और मेजर जनरल कौन था, ये सब आपसे जो है इसमें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा 20% करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जिसमें वो आपसे किसी भी मुल्क के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत के बारे में पूछ सकते हैं, सदर के बारे में पूछ सकते हैं, करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं और इसी तरह आपसे वुजरा के बारे में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा 20% पोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो आपसे पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें ज्यादातर जो है शार्ट कीज पूछी जाती है, MS वर्ल्ड की और उसके अलावा पावर पॉइंट की और एक्सेल की, इनकी जो है वो आपसे शॉर्ट कीज पूछी जाती है। यहाँ पर आप कुछ शॉर्ट कीज भी देख सकते हैं जो की मैंने इसी वीडियो में आपको शो करवा दी है, आप इनसे भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है शॉर्ट कीज मिल जाएंगी, वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अपना पेपर जो है वो तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कैसा सिलेबस होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी ने वफा की, अल्लाह हाफिज़।